रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2 साल से भीषण युद्ध जारी है। रूस ने इस युद्ध में यूक्रेन के एक बड़े इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं रूस को भी इस युद्ध में गंभीर नुकसान पहुंचा है। इस पूरी लड़ाई में रूस के हजारों सैनिक मारे गए हैं। अगर पश्चिमी देशों के आंकड़ों की बात करें तो इस युद्ध में रूस के लगभग 3 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इस कारण रूस की सेना में सैनिकों की कमी पड़ रही है और ये लोग अब अन्य देशों से लोगों को लाकर अपनी सेना में भर्ती कर रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले बड़ी संख्या में नेपाल के गोरखा सैनिक रूस की सेना में भर्ती हुए थे और युद्ध में कुछ लोग मारे भी गए थे। हाल ही में रूस से खबर निकलकर सामने आई है और खबर ये है कि रूस में कुछ भारतीय फंसे हैं जिन्हें गलत तरीके से रूस की सेना में भर्ती किया गया है और अब इन्हें युद्ध के मैदान में भेजने की तैयारी है। रूस में फंसे इन भारतीयों ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें इन लोगों की तरफ से ये सब कहा जा रहा है जो मैंने आपको बताया है। आप भी सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें ये लोग खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लोग रूस कैसे पहुंचे और इनके साथ वहाँ क्या क्या हो रहा है। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नए साल पर और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़े की ज़रूरत होती है, वो हमें ऐसे ही लेकर चला गया और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे, उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी खाना वगैरह बनाने में या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया, वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है, उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है, हमारे साथ और भी साथी थे और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं, हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं।